हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद एहसान, आप देख रहे हैं रचना ड्राइक्लीन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कारपेट किस तरीके से ड्राइक्लीन करते हैं ड्राइक्लीनर। आपका कारपेट आपसे ले लेते हैं, वो किस तरीके से ड्राइक्लीन करके देते हैं, तो पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी किस तरीके से ड्राइक्लीन होती। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ ये वीडियो। आइए चलते हैं वर्कशॉप की तरफ। अब हम आ गए हैं कारपेट क्लीन करने। सबसे पहले कारपेट को वैक्यूम किया जाता है, जो इसके अंदर सूखी डस्ट है उसको बाहर किया जाता है। और पूरी डस्ट बाहर करने के बाद, वैक्यूम से पूरी डस्ट बाहर निकालने के बाद, हम इस पर पानी डालते हैं, सादा पानी। अच्छे से पूरा पानी से डीप कर देते हैं, आगे पीछे से पूरा डीप कर देते हैं पानी से, पूरा प्रॉपर इसमें पानी भर देते हैं। 200 लीटर के समथिंग इसमें पानी डाल देते हैं। ये 5-7 का कारपेट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर इसको जितना भी है वाइपर से इसको पानी को निकाल देते हैं, जितना भी वाइपर से निकलता है उतना पानी वाइपर से निकाल देते हैं। फिर इसके बाद इस पर सोल्यूशन बनाएंगे कारपेट शैम्पू से। कारपेट शैम्पू से हम सोल्यूशन बनाएंगे, इसके बाद इसमें पूरे पे छिड़काव करेंगे सोल्यूशन का। पूरा सोल्यूशन का छिड़काव कर दिया है, करके इसको ब्रशिंग करेंगे। देखो, अच्छे से पूरा सोल्यूशन लगा के फिर इस पर बाकी ब्रशिंग का काम होगा। अच्छे से इस पर 15 से 20 मिनट तक पूरे पे ब्रशिंग होगी, मतलब पूरा प्रॉपर आधा घंटा लग जाता है कारपेट को क्लीन करने में, जो यहाँ तक का प्रोसेस होता है क्लीनिंग का। इसके बाद इसके पीछे से भी क्लीन करेंगे पानी डाल के, अच्छे से सोल्यूशन डाल के पीछे से भी क्लीन करेंगे। देख रहे होगे आप, इसमें पीछे से भी क्लीन हो रहा है और दोनों तरफ से होता है पीछे से भी। फिर अच्छे से पानी, सादा पानी डाल के इसकी जो हमने शैम्पू बना के इसमें डाला था वो शैम्पू निकालेंगे अच्छे से। इसमें फिर पानी 200-250 लीटर के कम से समथिंग पानी डालेंगे पूरा। फिर वाइपर से जितना निकल सकता है उतना वाइपर से निकालेंगे। फिर उसके बाद वैक्यूम से निकालेंगे। वैक्यूम से निकालने के बाद इसको रोल कर देंगे, एक डंडा लगा के इसको खड़ा कर देंगे, रोल कर देंगे। सो गाइज, आपने देख ही लिया होगा वो किस तरीके से कारपेट ड्राई क्लीन हुआ है। तो वो 24 घंटे धूप में सूखेगा। धूप में सूखने के बाद ड्राई क्लीनर की जिस तरीके की भी उसके वहाँ की पैकिंग होगी, वो उसी तरीके से आपको पैक करके दे देगा। कोई भी ड्राई क्लीनिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर कर